व्हाट्स गुड यूट्यूब, दिस इज योर बॉय यंग वीजी बैक इट अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। तो आज का जो रिएक्शन है भाई, वो डिस SOS डिस ट्रैक के साथ वापस, और इस गाने का नाम है कवि कहना चाहते हैं। भाई तुम लोगों को मालूम है बहुत सीन हो गया है, और सीधे मौत की तरफ से एक चीज़ आई है कि अभी वो लोग रिप्लाई नहीं देंगे, जो भी एलिगेशन लगे वो पॉडकास्ट और इंटरव्यू में क्लियर कर देंगे, तो उन लोगों की तरफ से सॉर्टेड है विषय। बट यहाँ पर कुछ बातें थी जो SOS को रखनी थी, तो मेरे को लग रहा है ये ट्रैक लेके आए वो लोग। 8 मिनट का ट्रैक है भाई, 8 मिनट का ट्रैक, 8 मिनट, तुम समझ रहे हो क्या? 8 मिनट मतलब 10 मिनट, वाह वाह वाह, मैं तो सोच नहीं सकता। 8 मिनट का ट्रैक है और इसमें पूरा डिसी रहेगा, तो भाई बहुत सारी चीज़ें निकलने वाली है बाहर इस गाने से, मेरे को लग रहा है। और बहुत सारे एलिगेशन है, उसका भी काउंटर होएगा, और बहुत सारी चीज़ें हो गई है, मेस्टअप हो गया है पूरा सीन, मतलब एंटी नेशनल बहुत बहुत कुछ बोला जा रहा है। तो अभी फटाफट चेकआउट करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और इसके बाद सीधे मौत का रिप्लाई का तो मेरे को सीन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो लोग ने क्लियर आउट कर दिया है। चलो पर ये गाने का वाइब लेते, कवि कहना चाहते हैं, लेट्स चेक इट आउट। पीछे एक चीज लिखा है द एंड इज नियर, और कि किसका वोकल है ये तो मालूम नहीं, किसका तो ऑडियो रिकॉर्डिंग है ये तो फर्स्ट। उसके बाद एक बार तुम वही था कि जब तुमने आई थिंक नाम चेंज कि नमस्ते पे इसके वन ऑफ द सॉन्ग, उसके बाद लाइक तू भी मतलब हमारा भी वो चल रहा था कि भाई क्या कर रहे हो, कितना लिख रहे हो वगैरह, और तूने को बोला था इनसे पूछ, एंड मैंने यहाँ तो काम से पूछा रहे हूँ कि ब्रो क्या सीन है, जो कॉन्सेप्ट चोरी किया गया था एल्बम का, तो उसके ऊपर से बात हो रही है। एंड यही जवाब आया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और ये क्या लिखे ले भाई, ये क्या है, कुछ तो व्हाट्सएप का है भाई। और हरामजादों ने कश्मीरी लाल मिर्ची क्या 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 क्या, ये नीचे जा भाई नीचे जा, मेरे को वापस देखने गए। और तू दिल्ली के सड़क छाप भाई काउंटर भाई, ये सीख है भाई, ये सीख राइटिंग है। कम दो दो दुनी चार पर मुंह बोले पांच, तो दो दुनी पांच, अजब है रखूं मैं हाथ कुरान पे, जो भी तू बोला वो सच नहीं। जो भी खबरी तेरा खबर पहुंचा दे उसे तेरी खबरें है सच नहीं। फोन को है जो तेरी खबरी पहुंचा रहे और वो तेरी खबर सच नहीं, और कुरान पे हाथ रख के बोलता भाई, बहुत रिस्पेक्ट है ये चीज बोलने के लिए, नहीं क्या फटे रिस्पेक्ट भाई, क्योंकि बहुत फटे एलिगेशन है, बहुत गंदे गंदे एलिगेशन है, तो कुरान क्या बात है यार, ये कुरान को हाथ ऊपर रख के बोलता हुआ बोलता नहीं क्या, बट दिस इज क्रेजी यार, काउंटर तो चालू से हो गए ले भाई। तू बोला वो सच नहीं, जो भी खबरी तेरा खबर पहुंचा दे उसे तेरी खबरें है सच नहीं। फोन को हैक करने वाली बात और न्यूड्स को लीक करने वाली बात, किधर से लाया तू ओए मदर, साथ में खड़ा हूं लेके अप्रूव भाई। हैक करने वाली बात, न्यू लीक करने वाली बात, किधर से लेके आया माजर जात, और प्रूफ लेके आया बोलता, वाओ इसका पूरा काउंटर अटैक हो गया है भाई, ये जो वर्स का था भाई पूरा दे दिया है, वो खेले ही नहीं है बोलता, उसके तरफ से SOS के तरफ से बोल दिए लेकिन भाई हम लोग ने खेले ही नहीं है सीन। नाइस नाइस, लीक करने वाली बात किधर से लाया तू ओए मदर, साथ में खड़ा हूं लेके अप्रूव भाई, यू कॉल मी टेररिस्ट मदरफकर, नहीं सोचा था इतना तू गिरेगा। हाँ। मेरी छाती पे किधर से देखा निशान, तू आज जैसे निशान सोचेगा। हाँ। तेरी गंदी खंजर क्या 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 क्या
था इतना तू गिरेगा, मेरी छाती पे किधर से देखा निशान तू, आज एसिमिलेशन सोचे एसिमिलेशन सोचेगा। अरे वो बराबर बराबर छाती पे निशान है और टेररिस्ट भी बोला था तो उसका भी दे दिए ले। वाह 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 मदरफकर, नहीं सोचा था इतना तू गिरेगा, मेरी छाती पे किधर से देखा निशान तू, आज एसिमिलेशन सोचेगा। तेरी गंदी खंजीर सी काटू जुबान है जिड़ा दोबारा तू बोलेगा, तू जल्दी ले समझ के वो भी इंसान, वरना तू किन्नरी से पिटेगा। मुझे पता तेरा प्रो जेड़ा, तू भी किन्नर से पिटेगा, समझा गया भाई 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 भाई, दिस इज क्रेजी राइटिंग यार। वंस अगेन मैं खड़ा हूँ लेके अप्रूफ भाई, यू कॉल मी टेररिस्ट मदरफकर, नहीं सोचा था इतना तू गिरेगा, मेरी छाती पे किधर से देखा निशान तू, आज एसिमिलेशन सोचेगा। तेरी गंदी खंजीर सी काटू जुबान है जेड़ा दोबारा तू बोलेगा, तू जल्दी ले समझ के वो भी इंसान, वरना तू किन्नरी से पिटेगा। मुझे पता जेड़ा भी एक इंसान है, नहीं तो वरना तू किन्नर से पिटेगा। नाइस यार नाइस, काउंटर पे काउंटर भाई, हके हके तेरा प्रोपेगेंडा पर मैं कोड नहीं हूं बेटे, मैं ना झूठ सहता हूं वाले काल पे मैं घुसू चैंटा, तेरी लगे से बिगाड़ा कौन बेटे वो मैं था। मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा, तू नहीं बोलता मैं कोड नहीं हूं, तेरा झूठ नहीं सहेगा बोलता, एमसी कोड का बात चल रहा है मेरे हिसाब से बराबर, मेरे को लग रहा है, बट दिस इज क्रेजी, द बीट इज क्रेजी। तेरे दिल वाले काल पे मैं घुसू चैंटा, तेरी लगे से बिगाड़ा कौन बेटे वो मैं था। मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा, तू नहीं बेस्ट इन द बिस्ट, तेरे मुंह पे कहता था नहीं गाना तेरा डिस था, कश्मीर एजेंडा, इसको जेल में घुसा के मारो कैन पे डंडा। तेरा कश्मीर एजेंडा था, डिस करने की बात ही नहीं बोलता, और तुम लोग मालूम कश्मीरी को लेके बहुत सीन है, तो उसके ऊपर से मतलब बोल रहे कि तेरा एजेंडा नहीं है गाने में, सिर्फ कश्मीर कश्मीर घुसा रहे है सब। अच्छा वो बात, नाइस नाइस काउंटर यार, फकिंग काउंटर बहनचोद, दिस इज नाइस। तेरे मुंह पे कहता था नहीं गाना तेरा डिस था, कश्मीर एजेंडा, इसको जेल में घुसा के मारो कैन पे डंडा। हिंदुस्तान की कसम ये हारा, मेरी जीत नहीं इनसे गवारा, और ये आवाम को खाली पटकारा नहीं, चूचों पे सोएगा अब ये दोबारा। नहीं चूचों पे सोएगा ये दोबारा, बावे बावे को चूचे पे सोने नहीं देगा बोलता, मां कसम इनसे गवारा, हो रही अवाम को खाली बटकारा नहीं, चूचों पे सोएगा अब ये दोबारा, बैंड का करवाना चाहता बंटवारा, सूरमा कह के ये मजहब पे जा रहा, बॉट्स को पैसे दे के बैठा साला, देश में नफरत की आग फैला, चल छोड़ बॉट्स को ना, सूरमा फैले के ये मजहब पे जा रहा भाई 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 भाई, हो रही अवाम को खाली पटकारा नहीं, चूचों पे सोएगा अब ये दोबारा, बैंड का करवाना चाहता बंटवारा, सूरमा कह के ये मजहब पे जा रहा, बॉट्स को पैसे दे के बैठा साला, देश में नफरत की आग फैला रहा, चल छोड़ बॉट्स को पैसे देखा दे के बैठा ये साला। अरे माँ कसम, ये मतलब बॉट्स पे भी निशाना साथ दिए ले रहे, मतलब ये लोग बॉट्स भी यूज़ कर रहे, जो एम ईवे ने एक टाइम पे कलमकार पे आरोप लगाया था कि बॉट्स चलाते, तो वैसे ये लोग भी आरोप लगा रहे कि तुम लोग भी बॉट्स चलाते करके। फक मैन, ये बॉट्स वाला सिस्टम बहुत खतरनाक है। छोड़ दू मेरी अब करनी मैं बात, लेबल से निकला था बता क्यों राग, की करो ही कोई ना तुम बात, बोल हुआ क्या 4x4 के साथ, इजाजत ले फिर लेना अहमर का नाम है सच्ची, वो बड़े अब्बा की औलाद, पर तेरा नहीं पता तो किसकी औलाद, तो टॉपिक ना फ्लिप करिए ना कोई काट। अहमर की बात, प्रब की बात, क्या क्या बोले, चल छोड़ दू मेरी अब करनी मैं बात, लेबल से निकला था बता क्यों राग, प्रब की करो ही कोई ना तुम बात, बोल हुआ क्या 4x4 के साथ, इजाजत ले फिर लेना अहमर का नाम है सच्ची, वो बड़े अब्बा की औलाद, पर तेरा नहीं पता तो किसकी औलाद, तो टॉपिक ना फ्लिप करिए ना कोई काट। तेरा नहीं पता तो किसकी औलाद, टॉपिक ना फ्लिप कर, ये तेरा नहीं कोई घात। ओ और बहुत सारे 4x4 ये सब शायद से आज़ादी रिकॉर्ड में साइन थे प्रभदीप, इतना मेरे को डीप सीन नहीं मालूम क्या है, बट जो भी है इधर सच्चाई बहुत आ रही है सामने, ये तो सोच मतलब समझ सकता हूँ मैं। ओके बीट चेंज है शायद से, ये बीट वही है, पर कम ज्यादा शराबी है खून में तेरे, खराबी है सच ना बोले जरा भी, ये पेट पे मेरे तो ना लिए, दोनों को पहलू मैं दोनों को खा जाए, हमें क्या पत्थरबाज बोले तू बच्चा है सच्चा है बोल, फिर बंदी ने आची पे डाली थी स्टोरी, जो कहती थी मुझे वो एपीजे बच्चा है, काफी निहायत थी बंदा। वाह 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 वाह, पर कम ज्यादा शराबी है खून में तेरे, खराबी है सच ना बोले जरा भी, ये पेट पे मेरे तो ना लिए, दोनों को पहलू मैं दोनों को खा जाए, हमें क्या पत्थरबाज बोले तू बच्चा है सच्चा है बोल, फिर बंदी ने आईजी पे डाली थी स्टोरी, जो कहती थी मुझे वो एपीजे बच्चा है, काफी निहायत थी बंदी ने डाली थी आईजी पे स्टोरी और बोली थी एपीजे अभी भी बच्चा है। हां कौन से बंदी का बात चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन सी बंदी का बात चल रहा है, सच्चा है बोल, फिर बंदी ने आईजी पे डाली थी स्टोरी, जो कहती थी मुझे वो एपीजे बच्चा है, काफी निहायत थी बंदा। एपीजे बता तू अभी तक कितने का कटा तू, अभी तक तुझसे छुपा ही पाते, लेकिन आज मैं वो सारी बता दूं, चैट से मेरे पे सारी की सारी, वो वीडियो के आगे मैं लगा दूं, बंदी नहीं तुम्हारी आपस में कहती थी दोस्त है एपीजे मजा लूं, धंधा है बंद तेरा लेबल। क्या 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 क्या
यार काफी निहाई थी बंदा एबीजे पता तू अभी तक कितने का कटा तू अभी तक तुझसे छुपा ही पाते लेकिन आज मैं वो सारी बता दूं। अच्छा? चैट से मेरे पे सारी की सारी वो वीडियो के आगे मैं लगा दूं। अच्छा, मैंने छुपाई थी बोलता है एबीजे से बाद अभी सब बता दूं बोलता है चैट बिट जो भी है सब चीजें रख डालूं सामने। ओके बंदिनी तुम्हारी आपस में कहती थी दोस्त है एबीजे मजा लो दंगा है बंद। बंदिनी तुम्हारी आपस में बोलती थी दोस्त नहीं एबीजे सिर्फ मजा लो माँ कसम सुनो वीडियो के आगे मैं लगा दूं। बंदिनी तुम्हारी आपस में कहती थी दोस्त है एबीजे मजा लो दंगा है बंद। तेरा लेबल कहाँ तेरा चलो एक मिनट में तो हाइप ले रहा बाकी और भी आर्टिस्ट है काम पे ना जिनके पैसों से बना तू खुद से ना मैं कान में डालिए बोलता खुद के पैसे से नहीं दूसरे के पैसे से बना भी ना ये क्या एलिगेशन है भाई ये तो बहुत फटे डार्क जा रहे हैं भाई पर इधर गाली गलौज नहीं है उतना तुम देख रहे हो क्या वो मादर जात बोल दिए ले मादर मतलब समझ रहे हो क्या बहुत सही है बहुत सही एप्लीकेशन तो से मिलने में आऊंगा पुलिस स्टेशन दोनों पागल हो चुके हैं नशे करके जा पहाड़ों पे कर गया हूं मेडिटेशन क्या 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 पाइप ले रहा बाकी और भी आर्टिस्ट है काम पे ना जिनके पैसों से बना तो खुद से ना बेकान में डालिए एलिगेशन तो से मिलने में आऊंगा पुलिस स्टेशन दोनों पागल हो चुके हैं नशे करके जा पहाड़ों पे कर गया हूं मेडिटेशन अबे तेरे की शरम नशे करके पागल हो गए ले बोलता पुलिस स्टेशन में मिलेंगे और क्या बोल दिए ले भाई पहाड़ों पे जाके करो मेडिटेशन भाई क्या बात है यार कश्मीरी भाई कश्मीर का वाइब तो भाई बाकी बहुत बहुत खतरनाक वाइब है बहुत बिल्ला वाइब है भाई अलग लेवल है भाई उधर का वाइब उधर जाके आया मैं जो क्लाइमेट है ना भेंचो कहाँ नहीं मिलेगा भाई कहाँ नहीं मिलेगा मैं आऊंगा पुलिस स्टेशन दोनों पागल हो चुके हैं नशे करके जा पहाड़ों पे कर गया हूं मेडिटेशन अबे बैठ के शर्म कर डिस्क के नाम पे फैलाता हेट तू आके बादाम ले थोड़ा सा काम ले छोटे दिमाग से इतना भी झूठ मत बोल लवाम से काम से लेता तू खाली बस काम में काम ना होता तो होता क्या, नहीं क्या, 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 काम से लेता दिमाग से इतना भी झूठ मत बोल लवाम से काम से लेता तू खाली बस काम में काम काम से लेता तू सिर्फ खाली काम है और काम से काम नाइस देख रहे दो वर्ड का चीज भाई ना होता तो होता ना यहाँ पे तेरी घर वाली है मेरे इधर रुकाना पड़ेगा भाई काम नहीं होता तो नो होता मतलब नहीं होता यहाँ पे अरे रे 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 लवाम से काम से लेता तू खाली बस काम में काम ना होता तो होता ना यहाँ पे तेरी घर वाली है मेरे मकान पे बदनामी हो रही है तेरी बाजार में हाँ, देखा ना तेरी घर वाली है मेरे मकान में तेरी बदनामी हो रही है पूरे बाजार में अच्छा मतलब उल्लू की बंदी इल्लू के पास है बोलता अरे ये तो बिल्ला दे दी लेडीज हमले मुंह संभाल के उदय से बना तू मुंह पे लगाम दे अच्छा? देश की बात अल्लाह ना जबान पे पितरी की बैटल ना तुझे अब याद है मेरे से पहले भी थे तुम आजादी में मेरे थे जाने के बाद भी वहीं पे तले हमें बोले तेज तो इजाद कश्मीरी होना यहाँ गलत है 7 साल कश्मीर कश्मीरी होना यहाँ गलत है बोलता ये थोड़ा दिल पे लगा यार ये थोड़ा दिल पे लगा अभी वो मैं अंदर का बात नहीं मालूम ये लोग वे लोग पे एलिगेशन लगे एंटी नेशनल है सब जो भी चीज़ है अभी वो लोग कितने सच्चाई है और कितने झूठ अभी वो लोग को ही मालूम है छाती पे निशान बिशान जो भी ए बी जी ने बोला है भाई अभी वो कितना सच है कितना झूठ है और SOS कितना सच कितना झूठ वो तो वो मालूम नहीं है बट थोड़ा यहाँ पे बुरा लगा वो कश्मीर में रहना ही मतलब वो चीज़ और ये सब क्या है भाई इधर सुनो हो रही है तेरी बाजार में उदय का नाम ले मुंह संभाल के उदय मतलब शायद से आज़ादी में शायद से आज़ादी को हैंडल करता था तो उसके ऊपर से बात है शायद से बना तू मुंह पे लगाम दे देश की बात अल्लाह ना जबान पे पितरी की बैटल ना तुझे अब याद है मेरे से पहले भी थे तुम आज़ादी में मेरे थे जाने के बाद भी वहीं पे तले हमें बोले पहले से वो लोग आज़ादी में थे और मेरे जाने के बाद भी आज़ादी में और भीतरी बैटल के बारे में जो मैंने क्लिप देखा भाई बहुत वर्स्ट है भाई उधर पब्लिक ताली वीली बजा रहे हैं वो निर्भया के ऊपर बोल रहा है दिल्ली में भाई तो मेंटेलिटी देख सकते हो कितनी गंदी मेंटेलिटी है भाई मेरे को कोई सीधे मुझसे हेट नहीं है उन लोगों ने माफ़ी मांगा जो भी है पर उधर के बाजू वाली पब्लिक भी ताली बजा रही है तो क्या ही मेंटेलिटी है भाई पब्लिक का तो वो समझ रहे हो क्या उधर जो आसपास में कम से कम अच्छी खासी पब्लिक है भाई वो लोग ताली बजा रहे चल एनकोर ने बोला तो बोला तुम लोग आगे जाके बोल तो सकते हो ना भाई क्या बोल रहे हैं रुका तो सकते थे ना उसको चल हो गया उसने सॉरी वीरी बोला सब चीज़ें बट दिस इज़ रॉन्ग यार वो मतलब क्लिप भी डिलीट कर दिया क्योंकि वो क्लिप अगर वायरल होता तो बहुत सीधे मौत भी बहुत तकलीफ में होते थे भाई फटे तकलीफ में क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क सीन है किसी की जान चली गई है और उधर की जो पब्लिक है ना जो ताली बजा रही है वो क्या मेंटेलिटी का लेके बजा रही है मेरे को कुछ नहीं मालूम बट वर्स्ट है नहीं क्या वर्स्ट
तेज त्रोजा कश्मीरी होना यहाँ का लत है। 7 साल कश्मीर से बाहर में दिल्ली की सड़कों पे नाके लगा के तो जैसे चूतिए यहाँ भी बहुत से फैक्ट्स को छोड़ के बातें बनाते हैं। की बात अब करेंगे बैठ कर मुझे सबूत दे आगे डिबेट कर वरना फिर कोर्ट में मिलेंगे दोनों भाई दुनिया भी जानेगी कौन ने हैक किया। डायरेक्ट कोर्ट ये दिस इज नाइस यार। लोग ने जो लीक वाला एलिगेशन है बोलता डिबेट कर नहीं तो डायरेक्ट कोर्ट पे मिल डायरेक्ट और सबूत लेके आ नहीं तो डायरेक्ट कोर्ट में मिल डायरेक्ट कोर्ट में मिल। तो ये बहुत अच्छा पूरी तरीके से काउंटर कर दिया भाई पुलिस स्टेशन तक। नाइस नाइस। और थे लौंडे ये दोनों तुम चलते थे प्रब से अंदर ही अंदर फिर पेट प्रमोशन कर रहा ये करके दिखाओ। तब करेंगे बैठ कर मुझे सबूत दे आगे डिबेट कर वरना फिर कोर्ट में मिलेंगे दोनों भाई दुनिया भी जानेगी कौन ने हैक कर। इनसिक्योर थे लौंडे ये दोनों तुम चलते थे प्रब से अंदर ही अंदर फिर पेट प्रमोशन कर रहा के ये मुंह से लेबल में चलाते थे ये स्कैंडल तुम सीखे हो। ये चीज प्रॉप से चलते थे बोलता ये दोनों और इनसिक्योर थे और पेड़ प्रमोशन करा कि ये लोग चलते थे बोला ये लोग करते थे स्कैंडल। ओ फक मैन ओ फक थे प्रॉप से अंदर ही अंदर फिर पेड़ प्रमोशन कर रखे ये मुंह से लेबल में चलाते थे ये स्कैंडल तुम सीखे हो। उसी से माइक पे चढ़ना बाप तुम्हारा वो चुके और चरण सुनना भी वक्त है काम तू बदले साइड तू जानता सच है किधर तो इसका बोला मुझे काम को वो काम भाई काम को ये लोग डिस नहीं कर रहे काम को पूरा समझा रहे काम को बोल रहे तू आ जा तेको मालूम है सच्चाई क्या है तभी भी तू ये सीन कर रहा है। बट उनको ए बी जी से प्रॉब्लम है उन लोगों ने बता दिया और काम से उन लोगों को नहीं है कुछ है। कुछ भी सीन नहीं है कुछ भी सीन नहीं है उन लोग से कुछ भी सीन नहीं है तो ये समझ में आता है भाई। ये हर साले आखिर वो भी तो होते हैं इंसान अब ताली बचाऊंगा तेरी मैं मौत मैं करूंगा तुझे भी रसवा बहुत चाहिए तुझे तेरे ही शहर में गांड में देना कोई डंडा और हमें तुम्हें ना घुसने दिया सालों कैंसिल सारा प्रोपेगेंडा। भिजड़े भी तो होते इंसान बोलता नहीं या वो लाइन लाइन सुनो मैंने घुसने दिया सालों कैंसिल सारा प्रोपेगेंडा। बीट चेंज हो रहा है व्हाट आई हैव ऑब्जर्वड फ्रॉम डे 1 हां इज दिस There has always been this circle, you know, of Mo, I see them all. Mo and Sara. And it's just them deciding ki kya hai. It's never gone past that way. It wasn't a very inclusive space, you know. It's we are one, we are Azadi, London. So it was always about just keeping this very, the kind of a groupism was going on there, you know. कसम भाई ये लोग तो पूरे लेवल की है बोल रही कि ग्रुपिज्म चलता था उधर डायरेक्ट मुंह पे बोल दे रहे भाई साहब। It was always like I always said इतना लेवल में इतना डीप सीन हो रहा है ये सब कभी सोचा नहीं था मैंने क्योंकि लेबल मतलब एक आर्टिस्ट को ऊपर लाने का काम करता है बट अंदर ही अंदर ये सब सीन चलता है भाई। दिस इज क्रेजी यार दिस इज क्रेजी। And I was treated as one also. I didn't feel like I could grow there. Even if I could, they wouldn't let me, for sure. Mm. And it's very obvious by the things they did and are still doing. It's a Ponzi scheme, bro. That Azadi Records is an actual Ponzi scheme. People who have invested in that know it's a Ponzi scheme. Mm. And sooner or later, Mo's gonna get called out for this shit. Mm. Come on. क्या है बीफ मार के सज्जूद को बताना क्या है बीफ अंडरग्राउंड रैपरों को बस दबाना क्या है बीफ माँ की गाली दो पर बंदी पे ना जाना क्या है बीफ कुछ भी माँ की गाली दो पर बंदी पे मत जाना। हाँ आई 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 बहुत डीप लाइन दिए ले बहुत डीप लाइन दिए ले भाई बहुत ज्यादा डीप दिए ले बहुत डीप दिए ले भाई। क्या है बीफ मार के सज्जूद को बताना क्या है बीफ अंडरग्राउंड रैपरों को बस दबाना क्या है बीफ अंडरग्राउंड रैपरों को बस दबाना। सही में भाई जो नहीं मालूम ना अंडरग्राउंड रैपर जो एसओएस में को समझ में आ गया फटे अंडरग्राउंड थे आप भी वो लोग ब्लो हो रहे अच्छा लग रहा है भाई। सबको अपना हक का मिलना चाहिए जो जो मेहनत कर रहा है भाई सबको सबको। माँ की गाली दो पर बंदी पे ना जाना क्या है बीफ कुछ भी बोल दे कश्मीरी है ये साला क्या है बीफ जरा स्कैल्प देम कुछ भी बोल दो साला ये कश्मीरी क्या 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 बोल दो जाना क्या है बीफ कुछ भी बोल दे कश्मीरी है ये साला क्या ये भी लाइन बॉडी पे कुछ भी बोल दे क्योंकि ये कश्मीरी है साला फक मैन बीफ
जरा स्केल देम वीडियो चलाना असल देशद्रोही है ये लड़का भोसड़ी का बड़ा लगता ट्रैक ये अंडरएज कूड़िया पटाता सट्रैप इनके बड़े नाम पे ना जाना क्लिक बेड बोला पहले ये फिर दो अंडरएज लड़कियों को पटाता एबीजे पे एलिगेशन अभी एबीजे को आना चाहिए मेरे हिसाब से ये वर्स्ट हो रहा है अंडरएज निर्भया इतनी सारी चीज आ गई लिए इंटरव्यू पॉडकास्ट में क्या बोलेंगे अभी उन लोगों को क्या मालूम पर जो भी एक क्लियर आउट कर दो मैसी हो गया पूरा सीन मैसी हो गया इनके बड़े नाम पे ना जाना क्लिक बेड बोला पहले ये फिर दो दो डिश निकाला बाजी रेडिट पे इसके खिलाफ सब कुछ अखबारा कुछ लोगों को पैसे ऑफर करके इनको ये मंगवारा इसकी नींद अच्छा 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 रुको रुको इनके बड़े नाम पे ना जाना क्लिक बेड बोला पहले ये फिर दो दो डिश निकाला क्लिक बेड बोला फिर ये दो दो डिश निकाला ये भी फैक्ट है भाई ये भी फैक्ट है वन साइड नहीं ले रहा है बट ये फैक्ट है क्योंकि वो लोग बोले थे हम लोग ये लोग को व्यू नहीं देंगे ये लोग को हाइप नहीं देंगे पर उन्होंने डिस निकाला और यूट्यूब आईजी रेडिट पे क्या बोला यूट्यूब आईजी रेडिट पे इसके खिलाफ सब कुछ हटवा रहा कुछ लोगों को पैसे यूट्यूब से सब कुछ चीज हटवा रहा जो निर्भया वाला वो सारा सीन है और कुछ लोगों को पैसे ऑफर करके ये सब चीज करा रहे और उन लोगों के पास पैसे भी ये कराते भी रहेंगे नहीं कराते रहेंगे आई डोंट नो मेरे को नहीं गिरने का बट मैसी हो गए सीन ऑफर करके इनको ये मंगवारा इसकी नींदें चीरी मैंने इसको आता नहीं आराम अब्बा ओए ओए पत्थर बाज शैतान ने तू बड़ा फेंकू पत्थर बाज शैतान ने ये सारे जब उदे की अम्मा चल बसी इनको ना पड़ा फर्क इनको शोहरत का बुखार है ओए पत्थर बाज शैतान ने तू बड़ा फेंकू पत्थर बाज मैं शैतान ने ये सारे जब उदे की अम्मा चल बसी इनको ना पड़ा फर्क अच्छा उदे की अम्मा चल बसी इनको नहीं पड़ा फर्क तो उदय जो है वो आज़ादी रिकॉर्ड का शायद से को फाउंडर है या कोई मेंबर है वो नहीं मालूम पर आज़ादी रिकॉर्ड में का है तो अच्छा उदय की अम्मी जो उनका देहांत हो गया भाई फिर उसके बाद इनको कुछ पड़ी नहीं इनको शौहरत मतलब शौहरत की पड़ी बोलता पत्थर बार्स में शैतान ने ये सारे जब उदे की अम्मा चल बसी इनको ना पड़ा फर्क इनको शौहरत का बुखार है और एनआरआई का चौदह क्या बोल रहा हम स्प्लिट हुए चोरी का कमीशन लेके होता फरार है जीआरजीआई पे सो रहा था हम एनआरआई का चौदह ये बाहर से सिक्के आए ले बोलता एनआरआई किसको दिए ले स्प्लिट हुए चोरी का कमीशन लेके होता फरार है जीआरजीआई पे सो रहा था हमारे अपनी जेबों को भर के उड़ता था लोडू बिजनेस क्लास में जाके पूछो तुम हम क्या 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 सो रहा था हमारे अपनी जेबों को भर के उड़ता था लोडू बिजनेस क्लास में अच्छा हमारी अभी जेबों मतलब खुद के जेबों को भर के उड़ता था बिजनेस क्लास में और मां का मतलब बिजनेस क्लास से जाता था मतलब टॉप नॉच सर्विस भाई टॉप नॉच जीआरजीआई पे सो रहा था हमारे अपनी जेबों को भर के उड़ता था लोडू बिजनेस क्लास में जाके पूछो तुम्हें निकल से आजादी क्या जाके पूछो तुम्हें अली से आजादी क्या जाके पूछो तुम सोफायर से आजादी क्या जाके पूछो इसके अपनों से आजादी क्या पूछो इनसे कर निखिल से पूछो इससे पूछो आजादी क्या अरे रे 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 तुम सो फायर से आजादी क्या जाके पूछो इसके अपनों से आजादी क्या कुछ इनसे डरते उनको खौफ है आजादी का बराबर इनके फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में आजादी का ये मुनी लगता इसको खौफ है तलाशी का ये ले जश्न अब आजादी की बर्बादी का ये ले जश्न अभी आजादी का बर्बादी का और इससे पहले भी दो तीन लाइन बहुत बिल्ला बोले ले तुम सो फायर से आजादी क्या जाके पूछो इसके अपनों से आजादी बराबर कुछ इनसे डरते उनको खौफ है आजादी का कुछ इनसे डरते इनको खौफ है आजादी का अरे रे 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 इनके फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में आजादी का दिस इज क्रेजी इनके फर्जी कॉन्ट्रैक्ट में आजादी का नाइस नाइस राइटिंग यार दिस इज क्रेजी राइटिंग जिनसे डरते उनको खौफ है आजादी का इनके फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में आजादी का ये मुनी लगता इसको खौफ है तलाशी का ये ले जश्न आजादी की बर्बादी का तेरी फैन बेस में फिल्टर लाया एसओएस सो मैं से तुझसे थी स्क्रीन जीना एसओएस ले इंटरव्यूज का मौजू है तेरा एसओएस फिर से दिखना नहीं शूट ऑन साइट करे एसओएस दिखना नहीं शूट ऑन साइट करे एसओएस नाइस 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 और तभी वो बर्फ में से ले आ रहा है ड्रोन शॉट नाइस जो है तेरा एसओएस फिर से दिखना नहीं शूट ऑन साइट करे एसओएस टीबीएस से मतलब टटे बने सीधे मोटी बचे शिटी मुंह स्टेडी भुंड सड़ा मुंह टीबीएस हम तेरा भाई सीधे मुठ दिली को प्यार करे टीबीएस हम तेरा भाई सीधे मुठ मुठ एक टाइम लोका ने भी बोला था सीधे मुठ याद है मेरे को जब भी बीफ हो गया था स्टोरी डाला था लोका ने सीधे मुठ मुंह स्टेडी भुंड सड़ा मुंह
TBSM तेरा भाई सीधे मुठ दिल्ली को प्यार पर SM को तू फैल भेजे सीधे मॉन के पास माना मैं हम है परे नीचे ओ नाइस यार दिल्ली को तो प्यार बोलता कितना भी हुंदे शहर भी को प्यार है लोगों को भी जैसी तकलीफ है और वो पूरा दिख रहा है भाई फुल दिख रहा है को प्यार पर SM को तू फैल भेजे सीधे मॉन नीचे पास माना मैं हम है परे नीचे पास आजादी से लेके पैसा तूने भी तो दिए शॉट खट में पहले बोला आलमगार नहीं सुना फिर क्या था शॉट और था तो फैल को ये खटमल है सिर्फ गानों में ये हार्ड रियल लाइफ में ये मखमल है उम्र में बड़ा हमसे पर अकल से अकमल है उम्र में भी बड़ा है और अकल से अकमल क्या बोला अकमल है क्या बोला आलमगार नहीं सुना फिर क्या था शॉट आउट था तो फैल को ये खटमल है सिर्फ गानों में ये हार्ड रियल लाइफ में ये मखमल है उम्र में पड़ा गानों में हार्ड रियल लाइफ में मखमल है हमसे पर रकल से अकमल है स्टोरियों में रो रहा ये बच्चों की तरह ये चटक चुका सर के बल के राता शायद बचपन में तवा मैं खड़ा और मेरे पे दुआ तेरे गाने चलेंगे नगर वालों के बीच में लगे इतना खतरनाक डिस ट्रैक को अगर अपन ने यहाँ पर मीनिंग के साथ नहीं सुना और सिर्फ मज़े लेने के लिए सुना तो मतलब नहीं है हर एक चीज़ में अगर इसका एक ब्रेकडाउन अगर रोहन ने किया तो रोहन को भी मालूम है क्या गाना है इतना पावर गाना है बहुत सारी चीज़ें ब्रेकडाउन वाली और बहुत खतरनाक सीन तरह ये चटक चुका सर के बल के राता शायद बचपन में रोक ना पाएगा साथ तवा मैं खड़ा और मेरे पे दुआ तेरे गाने चलेंगे नगर वालों के बीच में लगे कितना कुछ देखा इन दिनों बराबर शायद अब तुम्हें समझ आएगा कि व्हाट वी हैव बीन थ्रू ऑल दीस इयर्स बिकॉज़ ऑफ देम इट्स अ ब्लडी गेम नथिंग एल्स बिकॉज़ ऑफ देम दिस इज क्रेजी इतना कुछ मतलब हिलों की वजह से हुआ है और ये लोग गए ले इतना सब सिचुएशन से अरे ये रियल है तो बहुत जस्ट बिकॉज़ ऑफ देम इट्स अ ब्लडी गेम नथिंग एल्स या हमारी मेहनत हमारा काम इट्स अ ब्लडी गेम मगर अब नहीं और तुम जो चुप हो क्योंकि ये फेमस है स्पीक अप बिफोर इट्स टू लेट इंडस्ट्री गेम्स आर डन और इन सबको बचाना अब बहुत ही मुश्किल है जोर से बोलो जोर से बोलो ये क्या है ये क्या था ये क्या था तेरे भाई सारे मॉलेस्टर्स फक जोर से बोलो जोर से बोलो जोर से बोलो जोर से बोलो फक फेवरेट रैपर आपके छोटी लड़कियां सताते और इनके अपने भाई डीएम करके बता दे आ जाओ हम मिला दे आपको ए विजय और काम से वो 14 की है उस पे है बड़े सबूत सारे डर रही 14 की है और उसके पास बड़े सबूत सारे पेडोफाइल भाई सर्टिफाइड पेडोफाइल क्या सीन है ये दिस इज क्रेजी भाई एक मिनट है लास्ट में पर क्या था तेरे भाई सीधे मॉलेस्टर बोलता पर आपके छोटी लड़कियां सताते और इनके अपने भाई डीएम करके बता दे आ जाओ हम मिला दे आपको ए विजय और काम से वो 14 की है उस पे है बड़े सबूत सारे पर डर रही वो आगे आने से है कहती इनके रिश्ते नाते लोगों से और गैंगस्टरों के साथ ये पीते खाते काट कर रहेगा गैंगस्टर लोग के साथ ये पीते खाते अरे ये रिश्ते नाते कंधे लोगों से और गैंगस्टरों के साथ ये पीते खाते ये घर का ना काट कर रहेगा हमारे नाम से डरे हमें जब याद करेगा तब ये स्टेज से गिरेगा हमें जब याद करेगा तब ये स्टेज से गिरेगा क्रेजी 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 हमारे नाम से डरे हमें जब याद करेगा तब ये स्टेज से गिरेगा टूटे इस कांच से कटेगा और ना दबे गिरेगा कितना बोर ये गिरेगा काम को साथ ले डूबेगा घुमाने की कोशिश की जा रही है एसएम के जो भी म्यूचुअल्स है ना पेजेस के साथ हाँ। ये लोग ना जा के ना पेजेस को बोल रहे कि ना हम आपको आगे ना वर्क ऑफर करेंगे आप बदले में ना एसएम को थोड़ा लिमिट में क्रिटिसाइज करो और एसओएस को थोड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज करो ये लोग पैसे भी
ये रिएक्शन चैनल का बात नहीं हो रहा है, कुछ भलते चीज का भाई, पेजेस का बात हो रहा है। पर करेंगे आप बदले में ना एसएम को थोड़ा लिमिट में क्रिटिसाइज करो और एसओएस को थोड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज करो। ये लोग पैसे भी ऑफर करने को रेडी है एक एक बंदे को, एक एक पेज को, ठीक है। और ये ना ये निर्भया वाली जो क्लिप है ना, हाँ। वो भी ना बहुत पेजेस को हटाने बोले कि आप ये सब मत डालो, इसके लिए ना गलत इफेक्ट पड़ता है हमारी इमेज पे, हम आपको काम देंगे अगर आप लोग है ना हमारी हेल्प करोगे तो, ये वो सब कर रहे बहुत ज़्यादा क्रेजी ट्रैक भाई, कभी कहना चाहते हैं एसओएस, क्रेजी ट्रैक, वन ऑफ द बेस्ट डिस ट्रैक मैंने देसी हिप हॉप में सुने ले भाई, मैं बोल सकता हूँ गारंटी के साथ, दिस इज द क्रेजीएस्ट ट्रैक। बहुत हार्डकोर, बहुत एलिगेशंस काउंटर, सब चीज़ हो गई है, मॉलेस्टर बोल दिए ले एबीजे को, बहुत कुछ बोल दिया है। एबीजे तो अभी बोला है कि मैं इंटरव्यू में आके ये सब बातें करूँगा, मेरे को डिस नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, वो नहीं करना है, उनकी मर्जी भाई। पर दिस वॉज क्रेजी, 8 मिनट प्योर बार्स स्पिट किए ले दिल से, और हर एक बार हर एक लाइन में मीनिंग है, और हर एक चीज़ में काउंटर किया गया है, जो जो काउंटर जो पूछ रही थी पब्लिक भाई, सब चीज़ में काउंटर किया गया है। तुम लोग देख सकते हो, खुली आंखों से सुनो बार बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। बाकी तुम लोग को कैसा लगा, और मेरे को मालूम है सीधे मौत नहीं रिप्लाई करेगी मेरे हिसाब से, तो अगर किए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो भी उनके ऊपर है भाई। उन्होंने तो बोला हम लोग इंटरव्यू में पॉडकास्ट में क्लियर करेंगे बातें, तो कोई सीन नहीं। तुम लोग देखो कैसा लगा तुमको गाना, रिएक्शन बताओ कैसा लगा, और तुम्हारे हिसाब से कौन है विनर, क्योंकि मेरे हिसाब से कंपटीशन इधर एंड हो गया है, तो तुम्हारे हिसाब से कौन है विनर, तुम लोग लिखो कमेंट में, तुम्हारा ओपिनियन दो, तुम लोगों को क्या लगता है कि सीधे मौत का ट्रैक आएगा कि नहीं वो भी बताओ। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, उससे पहले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो। पीस आउट।